गाइस, तो आपको याद होगा ना कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि भोपाल से मेरे कज़न भैया भाभी दिल्ली आए हैं एंड हम सब ने मिलके एक छोटी सी ट्रिप प्लान करी है। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी एंड बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। Hi cuties, it's Yashita and welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो आप लोग देख सकते हो कार में मैंने स्टार्ट किया व्लॉगिंग करना। पीछे भाभी और मम्मा हैं, आगे मैं और भैया हैं एंड हमें निकले हुए एक घंटे हो गए, शायद आधे घंटे हो गए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है एंड मैंने अभी तक बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने गेस कर भी लिया था या नहीं किया था, बट वी आर गोइंग टू जिम कॉर्बेट। दिल्ली के इतने पास है पर आज तक कभी गए नहीं थे, तो सोचा चलते एक्सप्लोर करते हैं। एंड या आप लोग एक्साइटेड हो? या पर बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं रास्ता खराब ना हो जाए और वहाँ पे हमारी सफारी कैंसिल ना हो जाए। सो हाँ, ये थोड़ी सी बीटी हो गई है, बट एनी हाउ अभी रास्ता काफ़ी अच्छा है, अभी तक का काफ़ी ग्रीनरी भी है। सो विवान हमारा छोटू सो रहा है, अभी वो उठेगा ना तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी की होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ देखते रहो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो क्या मौसम है एंड कुल्हड़ की चाय देसी ढाबे पे, इसी के तो मजे है। नहीं है ये शहर है, इतनी बहुत मीठी है। सो गाइज, जब हम अपने रिजॉर्ट से लिटरली सिर्फ 10 मिनट्स दूर थे, रास्ते में हमें बहुत लंबा जाम मिला क्योंकि एक कॉजवे ओवरफ्लो हो गया था। तो लिटरली 1 किलोमीटर दूर तक सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी एंड हम लोग बहुत इम्पेशेंट भी हो गए थे, बहुत थक गए थे जर्नी से। गाइज, सो वी हैव रीच द रिजॉर्ट। अभी हम लोग काफ़ी लेट हो गए जैसे मैंने आपको बताया था रास्ते में, सो वी आर डायरेक्टली गोइंग फॉर लंच क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इतने देर से कार में बैठे बैठे। हालांकि द रिजॉर्ट अभी तक जितना देखा है इट लुक्स रियली प्रिटी, वेरी सिक्लूडेड एंड अच्छा है। बाकी मैं अच्छे से टूर दूंगी आपको, पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेती हूँ। It was very adventurous. 8 hours drive. जो हमें लगा था 4-5 घंटे exactly. But अभी खाना यहाँ पे लग चुका है, so चलो जल्दी से खाते। So nice. बारिश जैसा हो रहा है पर सही है। यहाँ पे हमारे दो रूम्स हैं, ठीक सामने वाला रूम है भैया भाभी का और उसके सामने हमारा है, दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम रूम्स हैं। तो मैं आपको जल्दी से रूम टूर दे देती हूँ। काफ़ी डिसेंट साइज का रूम है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, आसपास बहुत ग्रीनरी है, सो इट लुक्स रियली नाइस। वी हैव अ नाइस साइज बेड, किंग साइज बेड है यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव अ टीवी यूनिट, देन यहाँ पे एक बालकनी सॉर्ट ऑफ कॉमन एरिया है, तो वो दोनों
हाउसेस का बीच का कनेक्टर वे काइंड ऑफ. देन यू हैव अ बिग विंडो जहां से पूरा ग्रीन दिख रहा है, सो आई रियली लाइक दैट. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. वी आर हियर फॉर 2 days ओनली. छोटी सी ही ट्रिप है, काइंड ऑफ अ स्टेकेशन ओनली, बट या आई एम गोना सी यू गाइस थोड़ी देर के बाद. गाइज ये हमारे रूम के सामने ये छोटा सा प्ले ग्राउंड सॉर्ट ऑफ है बच्चों के लिए, एंड ठीक वहां पे है स्विमिंग पूल. तो मैं आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ कैसा है. So this is the swimming pool and अच्छी बात ये है कि ये खुला हुआ है, सो वी कैन यूज़ इट. एंड इतने टाइम के बाद मैं स्विमिंग करने वाली हूँ, तो मैं उसी के लिए अलग एक्साइटेड हूँ. एंड लुक एट द प्रॉपर्टी, एकदम ग्रीनरी ही ग्रीनरी है यहाँ पे. अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार, इतनी लंबी जर्नी हो गई हमारी, अब तो आके यहाँ पे लग रहा है कि सब रिलैक्स करो. हाँ. अभी हम जा रहे हैं भैया भाभी के रूम में, साथ में बैठेंगे. मैं बस आपको रूम टूर और ये सब दिखाने के लिए आ गई थी, बट या दिस इज ऑल वेरी ब्यूटीफुल. देखते हैं कि आज रात को आएंगे स्विमिंग करने या फिर कल मॉर्निंग में आएंगे, पर आएंगे तो जरूर. या हो सकता है दोनों टाइम आ जाए. आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड. अभी चलते हैं भैया भाभी के पास. ऑलराइट गाइज, तो अभी हम लोग आ गए हैं पूल टाइम एंजॉय करने के लिए. भैया भाभी विवान मम्मी सब पूल में. मेरी बारी है, मैं अपना गोप्रो लेने गई थी. आई ऑलरेडी हैड अ लिटिल डिप, अभी बांधती हूँ और आती हूँ. ये बेबी पूल में सब विवान की वजह से, और किसी को स्विमिंग नहीं आती ना ढंग से. मैं जा रही हूँ वहाँ पे, बट या मैं इतने दिनों के बाद स्विमिंग करने जा रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. ऑल्सो ये होगा टाइम हमारे गोप्रो को अंडर वाटर टेस्ट करने का, सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स. Here is भाभी and mama. Hey! Yay! कौन अंदर जाने वाला है डुबकी लगाने? हम दोनों एक बार हाथ बंद करके. चलो 1 2 अरे बेटा ओए 1 2 3 बोलना होता है बच्चों. चलो मेरे भी हाथ पकड़ो भाई. कैसा लग रहा है आपको वेकेशन भाई? बहुत मस्त. और स्विमिंग करने? हाँ, क्योंकि हम पहले हर मतलब वेकेशन पे नहीं, हर समर वेकेशन में सारे हर बार स्विमिंग करने जाते थे हमेशा. एंड सोसाइटी में तो मैं वहीं रहती थी भाई. अब कोविड के बाद से बंद हो गया था पूल, तो अब जाके पूल मिला है. बट आई एम लविंग इट. जर्नी कितनी वो थी ना, एडवेंचरस, मतलब असली की एडवेंचरस थी आज की जर्नी. कहानी अभी पूरी पता नहीं है सही में. मैं चलो बाद में बताऊंगी, बट हाँ काफ़ी एडवेंचरस था. बट एनी हाउ अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स होके. भैया भाभी अभी गए विवान को चेंज करवाने, एंड फिर वो हमें ज्वाइन करेंगे वापस. गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे. कल रात स्विमिंग के बाद मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया, पता नहीं क्यों. हम लोग सब बैठ के आराम से चिल कर रहे थे रूम में, इतनी बातें बातें कर रहे थे, बहुत कुछ यमी फूड खाया. कल का डिनर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे एंड बहुत यमी था. पर मैं कुछ भी व्लॉग ही करना भूल गई यार, पर कोई बात नहीं, आज रात का मैं डिनर आपके साथ शेयर करूँगी एंड कैसा होता है सब दिखाऊंगी. अभी फिलहाल 8:30 हो रहे हैं, भैया भाभी ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करने चले गए हैं क्योंकि विवान को जल्दी खिलाना होता है, तो वो लोग वहीं मिलेंगे. एंड इतने सारे मंकीज हैं यहाँ पे गाइस, मुझे इतना डर लग रहा है. मैं एक्चुअली बाहर जाके ब्लॉग करने वाली थी अभी, पर 3-4 मंकीज दिखे मुझे पेड़ पे, तो मैं सोचा चुपचाप पतली गली से अंदर आ जाओ. न्यू गोप्रो है, अगर लेके भाग गए ना तो. Alright
गाइस, सो वी आर ऑन आवर वे टू कोसी रिवर जो यहाँ से बहुत पास में है. देखते हैं कैसा है एंड नज़ारे यहाँ के काफ़ी अच्छे. हेलो हेलो एंड गाइस, धूप आज बहुत तगड़ी हो गई है. कल जैसे बारिश वाला मौसम था वो हट चुका है, तो हम लोग ऐसे कवर करके चल रहे हैं. हम थोड़े उस साइड जा रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़े लोग हैं. चलो गाइस, दिस वॉज द वे. यहाँ से हम लोग नीचे चल के आए थे. कुछ ऐसा बहुत अच्छा सा वे नहीं है. देखो भैया लेके जा रहे हैं विवान को ऊपर. थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत छोटा सा ही था. लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सुंदर सा रिवर. ये मम्मा का हमेशा मैंडेटरी होता है, सबके लिए लेके आती है मम्मी, अपने लिए, भाभी के लिए, मेरे लिए, क्योंकि हम लोग तो भूल के आ गए थे. ब्यूटी सेफ करने का कवच है. यस, मम्मी से पूछते ना आपके ब्यूटी का राज क्या है. स्टॉल खरीद लो धूप के लिए. गाइस, अभी मैंने रूम में आके अपनी आउटफिट जल्दी से चेंज कर लिया है क्योंकि मैं एक तो एक्स्ट्रा लेके आई थी ताकि ज्यादा फोटोज आ जाए डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट में. तो ये मेरी है सफारी आउटफिट. वेट, आई एम गोना शो यू गाइस इन द मिरर. सो दिस इज माई आउटफिट. ये एक्चुअली एक कॉर्ड सेट है जो मैंने अर्बैनिक से लिया था. अभी मैंने इसको ब्लैक पैंट्स के साथ पहना है. सो दिस इज फ्रॉम अर्बैनिक. ये शीन का है एंड ये है सरोजनी के पैंट्स, द मोस्ट कंफर्टेबल पैंट्स एवर. एंड इसके नीचे मैं अपने पूमा के स्नीकर्स पहनूंगी एंड आई विल बी रेडी. लंच कर लिया है जल्दी जल्दी से एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं सफारी के लिए. हमारी जीप आ चुकी है. आप लोग एक्साइटेड हो? आज मम्मी और भाभी ट्विनिंग कर रहे हैं ब्लैक और ब्लैक में. एंड या लेट्स गो, लेट्स सी हमें कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं. और वैसे बहुत लोग जितने भी आते हैं वो बोलते हैं दिखते नहीं है इतने जल्दी, बट ठीक है, हम अपना लक आजमा लेते हैं. लेट्स गो एंड आई एम गोना शो यू गाइस अराउंड. ये एंड वी आर आउट एंड अबाउट. ये ये हेलो, कितना मजा आ रहा है ना ऑलरेडी. 2 मिनट भी नहीं हुए. मुझे जीप पे बैठ के ही मजा आ गया. हमारे ड्राइवर साहब फैजल है और फैजल हमें सारे एनिमल्स की स्पॉटिंग कराएंगे और सबका बदला लेंगे. सबका बदला लेगा हमारा फैजल. मैं और मम्मा पीछे बैठे हैं. लाया नहीं लेंगे बेटा. यार बड़ी मजा आ रही है रियली. पकड़ के बैठो मम्मा, पकड़ के बैठो. फिल्मी गाने, जरा एक फिल्मी गाना सुना दो भाई. क्या फिर सिंगर है ये गाड़ी. कोई अफसाना. दोनों डुएट सॉन्ग गा दो यार. एक हीरो हीरोइन बनता है यार. कोई भी रोमांटिक सा. जंगल है यार, दिन रात है. मेरी बाहों में सो जा रख के. I can't breathe without you.
जो काम कर रही हो भैया को भी तो लगा पहले कि टाइगर है। सही कह रहे हो, चल जानवर सांबर है, सांबर है। दिखाओ ताना, तुम खुश हो के चले कोई दिखा। सही बात है, बताना नहीं चाहिए हम खुश हो के चले यार। हम तो कह देते खुशी से तो मार को टाइगर दिखा। हमें लगा कि हमें टाइगर दिख गया और पता चला वो डियर है। अच्छा, हमें नहीं नहीं टाइगर है, देखो तसल्ली दे दो। देख लिया देख लिया, हमने टाइगर देख लिया। गाइज अभी हम लोग रुके हैं, हमें लगा हमने टाइगर स्पॉट कर लिया है, बट वो सांबर डियर था। पर काफी एक्साइटमेंट हो गई है, यहाँ काफी सारे लोग हैं। वेट आई शो यू। जो पॉइंट है ना, व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे टाइगर की सेटिंग होती है, अच्छी होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सब लोग रुके हुए हैं। एक पॉइंट है, व्यू है। एंड अभी क्या हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ, थोड़ी अभी भाभी थोड़ी सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो दूर था ना सांभर, दिख नहीं रहा, कम से कम 1 किलोमीटर दूर था, तो थोड़ा दूर से ऐसी लग रहा था टाइगर जैसा। आपने कितनी बार देखा है? कितने, कोई गिनती गिनती नहीं है। क्या बात है गाइस, सो वी हैव स्टॉप फॉर कॉफ़ी ब्रेक। ये उन कैंपस एरिया है, यहाँ पे बिस्किट कॉफ़ी ये सब है, तो अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, जिप्सी के आगे फोटोज़ भी ले लिए हैं। अभी इसके आगे और कहाँ जाना है? से वापसी, अब वापसी है। सो या दिस वाज इट। टाइगर स्पॉट तो नहीं किया हमने, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो जो थोड़ी देर की एक्साइटमेंट बिल्ट हो गई थी ना डियर को देख के, वही बहुत था। मज़ा आया। ऑल राइट गाइज, सो सफारी इज़ ऑफिशली ओवर। अभी हमने जीप साइड में रोकी है क्योंकि ये स्पॉट था, हम गए भी थे तो इसी को क्रॉस करके गए थे। आई फाउंड दिस स्पॉट वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस। अभी पानी तो काफ़ी कम है, पर फिर भी थोड़ी देर अभी यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींची है। एंड या इट वॉज़ रियली फन, इट वॉज़ अ वेरी फन एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। मम्मा आप भी आओ, मम्मा से पूछते उन्हें कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया यार, 3.5 घंटे की थी सफारी, पर पता नहीं चला, नहीं लगा 1 घंटे ही तो हुए अभी बिल्कुल। एंड मुझे सच में बहुत मज़ा आया। ठीक है, भले ही ना दिखाओ ज़्यादा कुछ, बट द एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस। एंड इतने आसानी से नहीं दिखता है यार, उसके लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, आपको बार बार जाना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। बट या इट वॉज़ फन, नहीं भी दिखा तो कोई नहीं, बट मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा था सच में, मज़ा बहुत आया। ऑलराइट गाइस, सो बैक एट आवर रूम। अब जाके थोड़ी बहुत थकान फील हो रही है क्योंकि वहाँ से यहाँ रिजॉर्ट तक आने का रास्ता भी काफ़ी लंबा था। अभी हम लोग जा रहे हैं, पास में हमने एक बहुत ही एस्थेटिक क्यूट सा कैफ़े देखा है, सो आई एम क्रेविंग सम यमी यमी फूड। तो चलते हैं, देखते हैं उसको, एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे से खाते हैं कुछ, एंड फिर बताती रहूँगी मैं क्या करेंगे हम आज के दिन। गाइस, सो दिस इज़ द कैफे, जस्ट लुक एट द वाइब्स, क्या मस्त एनवायरनमेंट लग रहा है, गोवा की याद आ गई मुझे ऑनेस्टली। दिस इज़ द नेम, विलेज वाटिका, लुक ब्यूटीफुल। देखते हैं अंदर जाके। कैसा लगा भाभी आपको? Awesome. आपको मम्मा? मम्मा का फेवरेट तो खैर नॉर्थ इंडियन है, पर फिर भी एक नंबर अच्छा था, पर बहुत। और भैया? मुस्कान जी ट्रीट थी और बहुत ही जैसा मेरा प्यार जो दुनिया क्लैपिंग कर दो विवान के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट इज़ ऑफिशियली आर लास्ट डे हियर। लास्ट डे भी क्या, हम आज ही निकलने वाले हैं बस थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट करेंगे
और निकल जाएंगे घर ताकि हम लोग जल्दी और सेफली पहुंच जाएं। पैकिंग वगैरह सब कर लिया है, नहा धो के मेकअप वेकअप करके रेडी हो गए एंड या इट वाज अ रियली नाइस ट्रिप। बहुत अच्छा था, काफ़ी रिफ्रेशिंग था आफ्टर 7 मंथ्स कहीं बाहर आए तो अच्छा लगा बहुत। पर अभी मैं ये व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं करूँगी, भैया भाभी मम्मी सबके साथ एंड करूँगी क्योंकि ये पूरा फैमिली ट्रिप था हमारा। सो या विवान और बुआ ने ऑरेंज ऑरेंज पहना है, दिखा दो सबको। सेम पिंच, सेम पिंच। गाइस सो इट इज फाइनली द टाइम टू चेक आउट एंड गो होम। इट वाज अ रियली नाइस ट्रिप, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोगों भी बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद एक तो हम मिले और बहुत अच्छी जगह आए। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है प्लीज इसको एक लाइक करना एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इन द कॉमेंट सेक्शन लेट मी नो कि आपको आगे और कैसे वीडियोज देखनी है। एंड या गाइज अपना ध्यान रखो, सेफ रहो एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Bye.